काफी टाइम बाद मार्वल की तरफ से कुछ ऐसा आया जिसे देखकर बस यही कहेंगे मजा आया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज के बारे में। अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड ही आया और ये हिंदी डब में है। अब यही सोचोगे यार फर्स्ट एपिसोड आया उसका क्या रिव्यू करना, एक मिनट जरा पहले ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, फिर उसके बाद जाके ये एपिसोड देख लेना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी ज्यादा चीजें हैं बात करने को। इसकी फर्स्ट एंड द बेस्ट थिंग जो इसकी शुरुआत में ही आती है, इसके एक्शन सीन जो इसमें दिखाए गए हैं, सैम भैया यानी द फाल्कन जो यहाँ पर एक सोल्जर को बचाता है और जैसे एक्शन की बौछार यहाँ पे होती है, जिस तरीके से उसने सोल्जर्स एक जो सोल्जर को बचाया है भाई साहब, माइंड ब्लोइंग एक्शन है। देखकर मतलब आप बच्चों की तरह इसको देखने लग जाओगे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, इस तरीके से आप इस शो के साथ कनेक्ट होने वाले हो। और सच कहूं पूरा का पूरा एपिसोड कमाल का है, जबरदस्त है। एंटायर सीरीज के बारे में तो नहीं पता, लेकिन भाई साहब फर्स्ट एपिसोड तो कह सकता हूं कि यार एकदम जबरदस्त बनाया है इन लोगों ने। और जो अब तक गिला सिकवा थे मार्वल से कि बीजा भी तो वोंडा विजन की जो सिटकॉम पर आधारित एक सीरीज इन्होंने बनाई है वो इतनी ज्यादा मुझे पसंद नहीं आया। बाकी लोगों को पसंद आ सकती है, उनकी अपनी अप्रोच होती है, बट मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूं कि मुझे वो सिटकॉम टाइप की चीजें मुझे नहीं पसंद है, तो उस चीज को लेकर मुझे काफी ज्यादा निराशा थी कि यार ये क्या बना दिया है। तो वो सारी की सारी चीजें गिला सिकवा अब इस पहले एपिसोड ने दूर कर दिया। और इसके पहले एपिसोड में सोशल इश्यू जो है इन्होंने उठाने की कोशिश की कि जो व्हाइट एंड ब्लैक को बीच को लेकर जिनके दिमाग में मतभेद चलता है, भेदभाव चलता है, वो चीज इन्होंने स्टार्टिंग में ही दिखाई है। और केवल सुपर हीरो होने से ही काम नहीं चल जाता भाई, पैसे कमाने पड़ते हैं घर चलाने के लिए। 5 साल जो लोग गायब रहे, यहां पर दुनिया बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। जब वो 5 साल बाद वापस आए थेनोस की चुटकी बजाने के बाद जो गायब हो चुके थे, और जब वो वापस आते हैं तो भाई साहब दुनिया बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, लोगों की सोच चेंज हो चुकी है। कुछ लोग चाहते हैं कि जो दुनिया है वो पहले जैसी रहे, जहां पर आधे लोग थे, आधे लोग जब जा चुके थे। और कुछ ऐसी आइडियोलॉजी बन के सामने आ रही है कि वो सरकार नहीं चाहते, किसी भी देश में सरकार नहीं चाहते, कोई भी पाबंदी नहीं चाहते, और ये आइडियोलॉजी दिन पर दिन भयंकर होती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सैम को लेकर जो प्रॉब्लम दिखाई गई कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, पैसे नहीं है, सुपर हीरो है लेकिन बैंक अकाउंट खाली है, ये वाली जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की काफी ज्यादा जबरदस्त है। मतलब सुपर हीरो होना कोई जरूरी थोड़ा है कि पैसों की बौछार हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और एक और जहां पर बकी यानी विंटर सोल्जर जो अपनी पुरानी यादों से लड़ रहा है, उसको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, जो उसने जब वो हाइड्रा के कब्जे में था, उसका दिमाग उनके कब्जे में था, जो वहां पर उसने गलत काम किए थे, अब उनसे वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सपने बार बार उसको आ रहे हैं जिसकी वजह से उसका दिमाग मतलब भन्ना के रहता है। अब वो कुछ चीज़ें की हैं ताकि जिससे वो उन सपनों से बाहर निकल के आ सके। फॉर एग्जाम्पल कि वो सारी जो गलतियाँ उसने की उनको ठीक करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। उसने इतने भयंकर काम कर रखे हैं, इतने खराब काम कर रखे हैं कि उनको ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए जो वो जुटा नहीं पा रहा है। और इस एपिसोड की जैसे धमाकेदार शुरुआत की गई है, एंडिंग भी उतनी ही धमाकेदार है। खैर वो मैं बताने वाला नहीं हूं, जब आप ये एपिसोड देखोगे तब आप खुद समझ जाओगे। लगभग 47 मिनट का ये एपिसोड मैं कहूंगा यार माइंड ब्लोइंग है, जबरदस्त है। मार्वल वालों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि दिल गार्डन गार्डन कर दिया इन लोगों ने। सच कहूं ताके तरस गई थी ये वाली चीजें देखने के लिए। और जो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई साहब, जो इन्होंने शुरुआत की है जहां पर कैप्टन अमेरिका अपनी बात कहते हुए मतलब नजर तो नहीं आते, उनकी बात आती है, सैम याद कर रहा होता है, वही लाइन जो कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम में सैम को कही थी, सेम टू सेम वही बात वो याद कर रहा। और इस लाइन से कनेक्ट होना भाई साहब, जो इन्होंने फिर कहानी को आगे बढ़ाया है, कमाल का कर दिया। मेरी तरफ से इस फर्स्ट एपिसोड को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 star। अगर आप लोगों ने ये एपिसोड देख लिया तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, इतनी ज्यादा मुझे खुशी है कि यार ये एपिसोड मैंने देखा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर देखो, आप मार्वल फैन हो तो यार इसे तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।